अर्क वर्ण और सूर्य के समान तेजस्वी बन जाता है, वो शरीर चमकता है। भगवान का जो पार्षद शरीर है बहुत चमकता है, इसलिए अर्क वर्ण कहा गया है। सूर्य जितना तेजस्वी है ऐसा तेजस्वी बन करके वह भक्त भगवान के धाम में चला जाता है। या अविशुद्धम, अ का प्रश्लेष करेंगे, इसका अर्थ है कि यहाँ तक अशुद्ध मन से भी कभी चिंतन कर दिया तो पार्षद बनता है। जिनके स्मरण की इतनी महिमा है, जिनके साथ कनेक्शन जोड़ने की इतनी महिमा है, किसी भी तरह से आँख का कनेक्शन हो जाए वो तो और भाग्य की बात है, कान से कनेक्शन हो जाए इनके गुण आदि श्रवण, जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण आदि, शरीर का संजोग हुआ, पैर का से कनेक्शन भगवान के धाम की परिक्रमा, हाथ का कनेक्शन भगवान की आरती करना, या आँख से कनेक्शन दर्शन करना पढ़ना, और फिर भगवान के संबंधी साधु जनों का स्वागत आदि, ये सब करे तब तो क्यों नहीं भगवान का पार्षद होगा। केवल क्षण भर के लिए मन का संजोग करके और व्यक्ति पार्षद हो जाता है और दिव्य ज्योतिमय शरीर धारण करके वह वैकुंठ जाता है। यथा कथनचित किसी स्थिति में केवल मन के साथ श्री कृष्ण का संजोग हो जाए तो वही व्यक्ति पार्षद बनता है, भगवान के धाम जाता है, वैकुंठ जाता है, और उसको धन्य कहा गया है इस संसार में। फिर आप दोनों के विषय में मैं क्या कहूँ, जिनका मन 24 घंटे और सारी इंद्रियां श्री कृष्ण के लिए ही हैं, तो आप तो धन्यतम हैं। इस पूर्व वाक्य से इसकी संगति है। आप इस संसार, आप दोनों इस संसार में सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ कार्य आप लोगों ने किया है। आपकी बड़ाई जितनी की जाए उतनी ही कम है। तो इस दृष्टि से हम लोग विचार करें कि वास्तव में इस संसार में कौन धन्य है, किसका जीवन सफल है, कृतार्थ, तो जो कृष्ण से प्रेम करता है, भक्ति करता है, सामान्य भक्ति भी करे तो उसका जीवन धन्य है। शास्त्रों में खासकर श्रीमद् भागवतम में कभी भी भक्ति शून्य जीव की प्रशंसा नहीं की गई है, चाहे उसके पास धन कितना हो या मान कितना हो या बड़ा पद प्राप्त हो गया हो, इससे कोई प्रशंसा नहीं होती। जब भी प्रशंसा की गई है तो कृष्ण से कोई ना कोई कनेक्शन के कारण, भगवान की भक्ति के कारण। तो नंद जसोदा का जो संबंध है भगवान के साथ और उनकी जो मान्यता है कृष्ण के विषय में, यही प्रशंसा, इस सबसे अधिक प्रशंसा का कारण है। कितना सरल श्लोक है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। प्राण वियोग काल का अर्थ सभी समझ सकते हैं। प्राण वियोग का अर्थ है जब सांस बंद हो जाती है, आत्मा निकल करके इस शरीर से कहीं चला जाता है। प्राण वियोग का अर्थ है कि सांस बंद, प्राण माने सांस, मरते समय या मरने पर लोग प्राण को ही देखते हैं ना, यह नाड़ी चल रही है कि नहीं, तो प्राण माने हवा का सर्कुलेशन अभी है कि नहीं, और छाती छूते हैं कि यहाँ पर कुछ अभी प्राण बाकी है कि नहीं। प्राण वियोग ये होना है, होगा अवश्य। प्राण वियोग मतलब सबसे वियोग, मृत्यु सर्वहरश्चा है। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हर लेने वाला मृत्यु हूँ। मरण एक ऐसी वस्तु है, अब मरण हुआ तो सबसे डिस्कनेक्शन हो गया, सब छूट गया। घर में बच्चे छूट जाएंगे, अब चिंता नहीं रहेगी कि कैसे पढ़ेगा, कैसे एग्जाम देगा, अब आप चलिए दूसरी जगह चले जाते हैं। बच्चे अपने कर्म भाग्य से पढ़ते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन जब तक है आदमी तब तक जी नहीं मानते। कहिए थोड़ा भजन करो, भागवत में चलो, तो नहीं, अब तो उस समय सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता वही हो गए, नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, और जब चल देंगे पूरा तब कैसे चलेगा,
ये भी ध्यान रखना चाहिए ना। जब यहाँ से टोटल कनेक्शन टूट जाएगा, न तो मोबाइल काम करेगा कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ पता ही नहीं होगा, मोबाइल भी यही छूट जाएगा। जिसको जिसको नंबर दिए हैं वे बेचारे नंबर लगाकर हार जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। यहीं पर मोटरसाइकिल छूटेगी, कार छूटेगी, स्त्री छूटेगी, बच्चा छूटेगा, ये देह भी यहीं छूट जाएगा, चल देना पड़ेगा। जब इतना नश्वर शरीर है, नश्वर सब संबंध है, इसी में आदमी पढ़ करके और परम फल, परम सुख, परम पुरुषार्थ भगवान को भूला हुआ है, और उनके नाम जपने का व्यक्ति को समय नहीं है। और तो और केवल दो दिन चार दिन भगवान की कथा में भी आने का समय नहीं, पर एक दिन तो सब छोड़ना पड़ता है। जस्मिन जनह प्राण वियोग काल क्षणम समावेश मनोविशुद्ध, सब कुछ छूट जाएगा। और भगवान की भक्ति की इतनी महिमा है कि क्षणम मनह समावेश, क्षण भर के लिए नाम, अल्प समय के लिए भी यदि भगवान में मन लग गया, चिंतन हो गया, तो प्रश्न होता है कि जब मन शुद्ध होगा तब न लगेगा। इसलिए उद्धव जी कहते नहीं, अशुद्ध मन से भी, अविशुद्ध मन भोगों में भटक रहा है, संसार में आसक्ति है, पुत्र में, परिवार आदि में आसक्ति है, तो ऐसे मन से भी यदि संजोग बस किसी सौभाग्य से कृष्ण में मन लग जाए शरीर छोड़ते समय, तो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करते हैं। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि भगवान का नाम अंत में आ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है, तो उस समय नाम आता नहीं है। अंतिम काल का अर्थ है कि जब तक बोलने की शक्ति है तब तक बोलना चाहिए, और बोलने की शक्ति नहीं रहे तो कोई बात नहीं। जब शक्ति नहीं रहेगी तो भगवान थोड़े हिसाब लगे क्यों नहीं बोला अंत में, जब बोला ही नहीं जा रहा है तो बोलेगा कैसे। तो अंतिम का अर्थ है कि जब तक बोलने की शक्ति है तब तक बोलना चाहिए, बोल लेना चाहिए भगवान का नाम, नहीं तो एक दिन बोलेंगे बड़े लाचारी से बोलेंगे, रोते हुए बोलेंगे। इसमें तो आनंद से बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम, तो और ज्यादा वृद्ध शरीर हो जाए, लाचार हो जाएंगे तो बोलेंगे, बोलिए जब कि हरे कृष्णा, तो रोते हुए करेंगे। ऐसा नहीं कि उस रुलाई से भगवान जान जाएंगे कि प्रेम उत्पन्न हो गया है, ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं अभी तो बहुत दिन जिएंगे, हम कर लेंगे बाद में, बाद में नहीं, अभी करना चाहिए जब समय है। ऐसे ये महिमा जरूर है कि भगवान का नाम, भगवान का स्मरण यदि अंत में भी आ जाए तो जीव का कल्याण तो होगा ही, लेकिन वो अंत में आएगा जब जीवन भर अभ्यास रहेगा तब। इसलिए अभी से भगवान नाम जप का, भगवान को प्रणाम करने का, भगवान का चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। चिंतन कैसे करेंगे, जब भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे तब चिंतन होगा। भगवान को देखेंगे मंदिर में, भगवान विराजमान हैं, या भगवान का वर्णन सुनते हैं कि उनके चरण ऐसे हैं, उनके हस्त कमल ऐसे हैं, उनके केस ऐसे घुंघराले बहुत अच्छे हैं, उनके कानों में कुंडल है, उनके गले में कौस्तुभ मणि है, पीला कपड़ा पहने हैं, उनकी आंखें कमल के समान खिली हैं, इन सब अंगों का वर्णन जब बार बार आदमी सुनेगा पढ़ेगा तब ना स्मरण होगा। ऐसा नहीं कि बस बैठे स्मरण होने लगेगा। कई लोग ऐसे कहते हैं थोड़ा भगवान की पूजा करने, तो हाथ पैर धो करके चुपचाप बैठ जाते। वो खैर नहीं करने वालों से वो अच्छे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठना ही भजन नहीं है। कुछ जप करना,
भगवान को मन में चिंतन करना, सोचना उनका अंग ऐसा है, वे ऐसे हैं, वे अर्जुन के रथ पर बैठे हैं, या अयोध्या से वनवास में जा रहे हैं, रास्ते में पहाड़ पर बैठे हैं, किसी शिला पर बैठे हैं लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ, इसको चिंतन कहते हैं। भगवान अपने भक्तों पर देख रहे हैं। भगवान की लीला और भगवान का रूप जरूर मन में आना चाहिए। और सबसे सौभाग्य की बात है कि भगवान का नाम जीभ पर आवे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धव जी कह, जस्मिन क्षणम जस्मिन जन प्राण विजोग काले क्षणम समावेश मनोविशुद्धम निर्हृत कर्माशयम आसु जाते। आसु आसु का अर्थ तत्काल, तुरंत भगवान का स्मरण किया और व्यक्ति चला जाता है भगवान के धाम में। पराम गतिम जाति पार्षद बन करके, तस्मिन भवंतौ अखिलात्म हेतौ नारायणे कारणमर्त मूर्तौ भावम विधत्ताम नितराम महात्मन किंवा वशिष्ठम युवयो सुकृत्यम। तस्मिन जिनके स्मरण की इतनी महिमा है, उनमें श्री भगवान में जो सबके आत्मा हैं और हेतु हैं, कारण सबके आत्मा भगवान है, सब में उत्प्रोत हैं और सबके कारण हैं, ऐसे नारायण में जो किसी विशेष कारण से मर्त्य स्वरूप प्रकट किए, कारण मर्त्य मूर्त नारायण में आप लोग ऐसा भाव कर रहे हैं, पुत्र भाव कर रहे हैं, तो आप लोगों के जीवन में अब कौन सा सुकृत्य बाकी रह गया है, कौन सा सुकृत्य बाकी है जो नहीं कर चुके हैं। कृत्य का अर्थ है करने योग्य, कृत्य को करने योग्य काम को जो कर चुका उसको कृत्य कहते हैं। कृत कर चुका, क्या कृत्य करने लायक काम को कर चुका तो उसको कृत्य कहते हैं, और यह कृतार्थ कहते हैं। तो सुकृत्य क्या है, करने लायक बहुत बहुत काम है, करने लायक काम है भक्ति, भक्ति के अंग, इसको कृत्य कहते हैं। और सुकृत्य, सुकृत्य है भगवान को अपना पुत्र मान करके या भगवान को प्रियतम मानकर स्वामी मान करके एक दृढ़ संबंध में उनकी उनका भजन करना, भाव समन्विता है, गीता में भगवान ने कहा है इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भाव के साथ भगवान का भजन करना ये सुकृत्य है, सुष्ठु कृत्य है। जो कार्य करने के लिए भगवान ने जन्म दिया है वो काम करना चाहिए। नंद बाबा और श्री जसोदा जी के लिए उद्धव जी कह रहे हैं कि आपके जीवन में अब कौन सा सुकृत्य बाकी है, किम वाव सिस्टम भवत युवयो सुकृत्यम, आप दोनों के जीवन में क्या बाकी है। एक ही श्लोक में भवंतव और युवयो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नंद बाबा और माँ जसोदा के भाव को देख करके भवंतव कह रहे हैं, आप दोनों के, इसका अनुवाद भवंतव का अर्थ है आप दोनों के। इस तरह से भाव को देख करके उनमें गौरव बुद्धि हो रही है तो भवंतव कह रहे हैं। और युवयो कहे, युवयो का अर्थ है कि तुम दोनों का कौन सा सुकृत बाकी रह गया। देखिए एक ही श्लोक में बहुत आदर सूचक बोल रहे हैं भवंतव आप दोनों, और नीचे बोल रहे हैं आप दोनों का कौन सा बाकी काम रह गया, कौन सी ऐसी वस्तु रही जो आप प्राप्त नहीं कर लिए। सबसे दुर्लभ कृष्ण प्रेम है
उसमें भी वात्सल्य भाव की चरम सीमा आप में है, तो अब क्या है आपके लिए बाकी रहा? आपका जीवन पूर्ण है, आप कृतार्थ हैं, आप कृतकृत्य हैं, आपके जीवन में अब दूसरा कोई सुकृत्य बाकी नहीं रह गया। मनुष्य जीवन मिला है भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए, वैसे किसी भी शरीर का यही फल है, लेकिन दूसरे शरीर बेकार है, उनमें भजन होता नहीं। किसी भी शरीर में भगवान का भजन होता है, कुछ लोगों ने किया है, लेकिन मनुष्य शरीर में बहुत सुविधा है, पर मनुष्य शरीर में बाधा भी बहुत है। जितना भी संसार में फंसावट है मनुष्य शरीर से ही है, जितनी माया के उपकरण हैं। अब कोई गाय बैल और कुकुर सियार ये थोड़े देखते हैं टीवी और ये थोड़े मोबाइल रखे, जितना माया का जाल है बंधन है ये मनुष्य शरीर में सुलभ है, पर ये है बड़ा दुर्लभ। इसी शरीर से भगवान का भजन होगा। दूसरे शरीर में इतनी आसक्ति नहीं है संबंधियों में किसी में। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, तो कोई संजोग से कोई मक्खी बैठ गई तो कई स्टेशन चली जाती है, परिवार छोटा कोई चिंता नहीं है। आखिर मक्खियों का भी परिवार होता होगा ना, परिवार छोटे कोई चिंता नहीं, कोई अब मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, कहाँ वो छोटा कहाँ वो छोटा, कोई बात नहीं, भगवान की सृष्टि है चलेंगे। लेकिन मनुष्य तो इतनी चिंता में रहता है, कोई अपना संबंधी यदि जा रहा हो ट्रेन पकड़ करके या बस पकड़ करके, तो कहता है पहुँचते ही फोन करना है, पहुँचते ही खबर देना कि ठीक से पहुँचे कि नहीं। अरे बाप, इतनी चिंता होती है। और हमें कुछ बात सुना है, कुछ लोग घर से चलते हैं काम करने ऑफिस में, तो पत्नी कहती है कि 3-4 बार फोन करना वहां से, केवल 8 घंटे में, और कभी वो फोन नहीं किया तो पूछती है तुम्हारा फोन नहीं आया, वो बेचारा बहाना बनाता है कि काम में फंस गया था या नहीं, तुमको हमारी याद नहीं आई, तुम्हारी ही याद करने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया तुम्हारी याद नहीं आई। अरे जिसकी याद करनी चाहिए, जिन परम प्रभु की, जो वही सबके पोषक हैं, जन्मदाता हैं, उनके बारे में कभी नहीं पूछा जाता है। भगवान की याद किए कि नहीं ऑफिस में, भगवान को प्रणाम किए कि नहीं, ये पूछना चाहिए ना। बस केवल हमारी याद किए कि नहीं यही माया है। दूसरे शरीर में पशु पक्षी में ये सब चीज नहीं है, इतनी माया की पकड़ नहीं है। न तो कोई दूसरा जीव गांजा पीता है न सिगरेट पीता है, न शराब पीता है। कोई कोई शरीर ऐसा है जिसमें व्यभिचार का नामो निशान नहीं है। पक्षियों में एक मुर्गा को छोड़ करके किसी में व्यभिचार नहीं है। उनका अपना जोड़ा होता है, उसी के साथ रहना है, खाना है, उड़ना है, ये व्यभिचार नहीं होता है। एक अद्भुत जीवन है पक्षी का। तो कोई भी दोष दुर्गुण तो दूसरे शरीर में है नहीं, सारा दोष दुर्गुण मनुष्य शरीर में है। परंतु यही शरीर सबसे योग्य है भगवान को समझने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान को देखने के लिए। दूसरे शरीर में कुछ नहीं सुन सकते हैं। कान है सबको,
लेकिन यहाँ के गाय भैंस और कुकुर को बुला करके कहिए कि चलिए भागवत हो रहा है, सब लोग सुनिए। मत जबरदस्ती पगहा में बांध दिया जाए तो कुछ बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे लेकिन सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं। इतना वो इंद्रिया बेकार है, आंख है कान है लेकिन कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक ही काम कर सकते हैं कि उनको प्रसाद दिया जाए तो प्रसाद खा लेंगे। एक गुण है शरीर, प्रसाद खा लेंगे। वही प्रसाद उनका बंटा हुआ है, कौन क्या चीज खाएगा, सब चीज नहीं खाते हैं। कुत्ते को कितना भी अच्छा सब्जी दीजिए वो नहीं खाएगा, है ना? कुत्ते सब्जी नहीं खाते ना। और बानर को और चीज दीजिए, मिठाई या ज्यादा नमक वाला वो खाएगा नहीं, वो केवल फल खाता है। तो इसीलिए उनके अगर योग्य प्रसाद मिला तब तो खाएंगे, नहीं नहीं खा सकते। तो जो दूसरे जीवों की जो इंद्रियां हैं हैं, लेकिन भगवान को समझने में समर्थ नहीं है। बुलवाइए किसी से, गाय भैंस आदि जानवरों से सबका मीटिंग कीजिए और सबको बुलाकर कहिए कि हरे कृष्णा। तो बोलने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए तो बोलने वाला हार जाएगा बुलवाने वाला, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। मनुष्य शरीर में तो एक बच्चा भी समझ जाता है कि हाँ भगवान का नाम है, भगवान की कथा हो रही है। इसीलिए बच्चे चुप भी रहते हैं। कभी कभी एक आध बच्चे हल्ला करते हैं लेकिन वो चुप रहते हैं, जानते हैं कथा हो रही है, कथा समझ में आवे या ना आवे, इतनी भावना है भगवान की बात हो रही है, इसे सुनना चाहिए, सावधानी से सुनते हैं। तो ये मतलब मनुष्य के बच्चे को भी ज्ञान है, लेकिन पशुओं में बूढ़ा बैल हो, बूढ़ा सांड, बूढ़ा भैंसा भैंस, उनको भी ज्ञान नहीं है। मनुष्यों को ज्ञान है, इसीलिए बारंबार शास्त्र कहता है कि ये शरीर दुर्लभ है, इसको पा करके भगवान को समझना चाहिए। भगवान को कैसे समझेंगे? सुनने से समझते हैं। तो अधिक जोर होना चाहिए सुनने पर। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय तो ऐसे निकालना ही चाहिए कि भगवान के बारे में सुने। और यदि सुनने का अवसर नहीं है तो भगवान का कीर्तन करें, भगवान का नाम, इसमें कौन विद्वता की जरूरत है। भगवान का नाम जपना है, बोलना है, चलते समय खाते समय जहाँ भी हैं वहीं। यह भी पाबंदी नहीं है इसी समय करना होगा, और कामों के लिए बहुत बंधन है। ऑफिस में बैठकर के कंप्यूटर चलाना होगा, यहाँ करना होगा, ऐसा नहीं कहीं भी चलते समय खाते समय कर सके। एक भगवान का नाम ऐसा है जिसके लिए कोई बंधन नहीं है, सवेरे ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, दोपहर को नाम ले सकते हैं, रास्ता चलते समय, स्कूल जाते समय, और कोई काम करते समय ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी बड़ी भगवान ने कृपा किया है, समय का देश का बंधन नहीं रखा, कोई संस्कार है या नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, दीक्षा लिए नहीं लिए कोई बात नहीं, दीक्षा पुरस्कार अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले समारेण। भगवान के नाम के लिए कोई जरूरी नहीं कि दीक्षा लें या पुरस्चरण करें, नाम कीर्तन करने के पहले पुरस्चरण करें, ये करें वो करें, पूजा पाठ करें, बस भगवान का नाम लेना, नाम ही पूरा है। इसके कोई कोई पुरस्चर्या, पुरस्चर्या का अर्थ है
कोई शुभ कर्म करना है कि नाम जपने जा रहे हैं तो इसको कर लें, करें ठीक है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। नाम में सब गुण है, सब पूरा कर देता है। इसी में जीवन की कृतार्थता है, धन्यता है। तो फिर नंद महाराज और जसोदा के लिए क्या कहना, उनका जीवन कितना पूर्ण है। वे अपने जीवन के परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिए, तो उनके लिए कोई भी सुकृत बाकी नहीं है। किम वा अवशिष्टम युवयो सुकृत्यम, किम वा अवशिष्टम युवयो सुकृत्यम, आपके लिए कौन सा कार्य बाकी है। सब जितने भी शुभ कर्म हैं, दान तीर्थ और अतिथि सेवा आदि जो भी धर्म है, इसका फल है भगवान में प्रेम होना। तो सारा कर्म इसीलिए किया जाता है कि भगवान कृष्ण से संबंध हो, प्रेम हो। तो आपके लिए कोई सुकृत बाकी नहीं, आप सब काम कर चुके, आप सारा यज्ञ कर चुके, दान कर चुके, तीर्थों में स्नान कर चुके, सब कर चुके। लेकिन इसके बाद भी नंद बाबा को शांति नहीं मिली। फिर भी वे बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर फफक रहे थे, रो रहे थे कृष्ण की याद करके। तो उद्धव जी कहते हैं, बाबा आप चिंता मत कीजिए, आगमिष्यत्य दीर्घेण काले न ब्रजम अच्युत। अच्युत जो अपने वचन से कभी च्युत नहीं होते हैं उनको अच्युत कहते हैं। तो अच्युत जो अपनी कृपा से कभी च्युत नहीं होते, अपने संबंधियों का कभी त्याग नहीं करते, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो ऐसे अच्युत श्री कृष्ण अल्पेन अदीर्घेण कालेन ब्रजम आगमिष्यति, बहुत थोड़े समय में ब्रज में आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत। अच्युत अदीर्घेण कालेन ब्रजम आगमिष्यति, आएंगे। उद्धव जी भी कोई डेट या टाइम निर्धारित नहीं कर रहे हैं, काल की विशेषता बता रहे कि अदीर्घेण कालेन, दीर्घ काल से नहीं मतलब कम समय में ही आएंगे। प्रियम विधास्यते पितृर् भगवान सर्वताम पति। नंद बाबा ने कहा तो अभी क्यों नहीं आया, अभी क्यों नहीं आया, थोड़े समय में आएगा तो ये थोड़ा समय में और क्या करेगा। उद्धव जी कहते हैं, प्रियम विधास्यते पित्रो, वसुदेव जी को और देवकी जी को भी पिता माता मानता है, माता पिता मानता है, तो उनका प्रिय करेगा। तो जब तक यहां नहीं आता है तब तक उनका प्रिय करेगा। वसुदेव जी का प्रिय और माता देवकी का प्रिय करेगा वो, क्योंकि सात्वताम पति, कृष्ण जादवों का पालक है। पति का अर्थ होता है पालक, पालन करने वाला, पाति इति पति, जो पालन करे रक्षा करे उसको पति कहते हैं। तो श्री कृष्ण सात्वत पति हैं, जादवों के पालक हैं, और जादवों पर बहुत संकट है। यदि वो मथुरा से यहाँ आ जाते हैं तो जरासंध मारेगा, सबको बांध कर ले जाएगा। अभी जरासंध चढ़ाई नहीं किया था मथुरा पर, 18 साल तक चढ़ाई किया, एक वर्ष में एक बार गोवा में लेकर के आता था, सेना लेकर के आता था, पर सभी को कृष्ण बलराम ने मार देते थे। 18वीं बार कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। तो उसी का संकेत उद्धव जी कर रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण इधर आते हैं तो उधर जादवों का संकट ज्यों का त्यों बना रहेगा, वे उनके पालक हैं। तो अभी कुछ शत्रु बाकी रह गए हैं, उनका वध करके और फिर आएंगे कृष्ण। ये इस तरह से संतुलन दे रहे हैं, आएंगे और
आप दोनों के, अपने माता पिता के, जसोदा नंद के, आप दोनों के प्रिय करेंगे, इसका दो दो अर्थ हुआ। प्रिय क्यों नहीं आया और थोड़ा भी देर होगा तो क्यों देरी होगा, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि अपने माता पिता का प्रिय करेंगे, देवकी वसुदेव का। नंद बाबा के सामने उद्धव जी ये नहीं कह रहे हैं कि वे आपके पुत्र नहीं हैं, आप दोनों माता पिता हैं, लेकिन वसुदेव जी को किसी ने बताया है कि उनके यहां भी कृष्ण का कभी जन्म हुआ था, इसलिए वसुदेव जी भी पुत्र मानते हैं, देवकी पुत्र मानती है। तो बार बार कृष्ण से लोग आग्रह करते हैं तुम यहीं रहो, तुम हमारे भी बेटा थे, ये थे वो थे। पहले कृष्ण ने जन्म लिया मथुरा में वसुदेव जी के यहाँ कारागृह में, और बाद में जसोदा जी से जन्म लिए। लोक में तो यह बात है कि वास्तविक जन्मदाता माँ देवकी है और पिता वसुदेव जी, और नंद और जसोदा पोषक पिता है, माता पिता है, पोषने वाले। जन्म दिया देवकी ने, पालन पोषण किया जसोदा ने, लोक में ये बात प्रसिद्ध है। परंतु वास्तविक बात है जो शास्त्रों में है कि देवकी और जसोदा ने एक ही साथ पुत्र पैदा किया। उनका मथुरा में एक पुत्र हुआ, एक पुत्र गोकुल में हुआ, भगवान ही कृष्ण दो जगह प्रकट हुए। तो मथुरा से जब वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर के गए तो वह पुत्र जसोदा के पुत्र से मिल करके एक हो गया। तो भगवान एक ही समय में एक लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं और फिर एक भी हो सकते हैं, तो एक पुत्र हुआ। तो अपने पुत्र को सुला दिया वसुदेव जी ने, माँ जसोदा के पुत्र में विलीन हो गया। और जसोदा को एक बच्ची हुई थी, तो ट्वीन संतान, जोड़ा संतान हुआ था, लड़का और लड़की। तो उन्होंने नहीं देखा कुछ लड़के को, अपने लड़के को सुलाया बेड पर और देखा कि जसोदा को एक लड़की हुई है, तो उसको उठा करके लाए मथुरा और उसी को दिखाए कंस के पास। कंस आया तो देखा, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का आठवां पुत्र, ये पुत्री कैसे हो गई, विष्णु बहुत चालाक है, वो इसलिए बेटी बन करके आया कि कंस नहीं मारेगा। ये कौन सोचने लगा, बहुत चतुर है, बहुत धूर्त है, स्त्री के रूप में आया, तो देवकी से छीनने लगा लड़की को, छीनने लगा। वो बेचारी रो रही थी, नहीं दे रही थी, लेकिन पैर पकड़ करके खींच लिया और पत्थर पर पटका, जिस पत्थर पर वसुदेव जी कारागृह में स्नान करते थे, पटका के वो मर जाएगी, लेकिन हाथ से वो तो छूट गई कंस के। वो तो आदिशक्ति माता पार्वती जी थी, दुर्गा जी, हाथ से छूट गई और आठ भुजा में हो करके आकाश में दिखाई पड़ी। और सारे देवता स्तुति कर रहे थे, गंधर्व गुण गा रहे थे, सब लोग, फूलों की वर्षा होने लगी। और माता दुर्गा ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम क्यों ये निर्दोष बच्चों की हत्या कर रहे हो, तुमको मारने वाला तुम्हारा पूर्व शत्रु कहीं जन्म ले चुका है। इस तरह से जोग माया ने भी कपट से ही बात किया, कहीं जन्म ले चुका, और जन्म तो यहीं लिया था कारागृह में, लेकिन माता दुर्गा ने कहा कि कहीं जन्म ले चुका। तब कंस देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया, बहुत माफी मांगा, क्षमा मांगा कि हे बहन जी, बहुत गलती हुई, मैं देवताओं की बात पर आपके पुत्रों की हत्या कर दी, देवता भी झूठ बोलते हैं। मैं तो जानता था कि केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं, लेकिन देवताओं के समाज में भी झूठ प्रवेश कर गया। अब तक देवता कभी झूठ नहीं बोले हैं, अभी भी कलयुग चल रहा है, फिर भी देवता झूठ नहीं बोले, और कलयुग पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं है। तो,
हम जानते थे कि देवता सत्य बोलते हैं, लेकिन हमसे झूठ बोले, कहे कि विष्णु जन्म लेगा, तब तक हमारी इष्ट देवी दुर्गा जी जन्म ले ली। देवता झूठ नहीं बोले हैं, भगवान जन्म लेकर के चले गए। कंस अपनी बुद्धि लगा रहा है कि नहीं, देवता झूठ बोलते हैं। इसी तरह से कुछ लोग अल्पज्ञ लोग होते हैं तो कहते हैं शास्त्र में गलत लिखा गया है, ये है वो है, भगवान कुछ नहीं कर रहा है। अरे अपना कुछ अपनी कुछ जानकारी नहीं है और शास्त्र पर दोष देना, तो कंस लगा देवताओं पर दोष देने। उन्होंने आकाशवाणी किया कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो पुत्र हुआ नहीं।